क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए क्या है। इस तरह से एक Na2S दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये S माइनस टू है, ठीक है। अच्छा, S माइनस टू है तो कहीं ना कहीं ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। कुल मिलाकर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है इसके ऊपर। हम जानते हैं कि बेंजीन रिंग पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक संभव नहीं है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, यहां पर देखिए एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो हम जानते हैं कि नाइट्रो ग्रुप जो है माइनस एम इफेक्ट देगा इस रिंग में, और माइनस एम इफेक्ट देगा तो ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर जो है पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स को जब बाहर खींच कर लाएगा तो यहां पर रेजोनेंस के दरमियान जो है ऑर्थो पर पॉजिटिव चार्ज और पैरा पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसी बात का फायदा उठाएगा ये अपना न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पैरा वाले पोजिशन पर अटैक करेगा, ठीक है। तो जब ये पैरा वाले पोजिशन पर अटैक करेगा कुल मिलाकर ऐसा, तो देखिए ये एस हो जाएगा, ठीक, और यहां पर इप्सो अटैक हो जाएगा, अटैक होगा फिर उसके बाद ये इसको यहां से रिमूव कर देगा, एक प्रकार से सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक। और उसके बाद यहां पर देखिए एनओ टू ग्रुप, यहां पर देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन जो है ये एक प्रकार से दो मोल दिया हुआ है, दो मोल लिया हुआ है, ठीक है। दो मोल लेने का मतलब है कि एक मोल अभी भी कहीं ना कहीं है, ठीक, और यहां पर देखिए क्लोरीन है। अच्छा, अब क्या होने वाला है, तो देखिए यहां पर सल्फर जो है एक ही बॉन्ड तो बना है तो एक माइनस चार्ज यहां पर है। अभी भी हमारे पास जो है अटैकिंग स्पेसीज में न्यूक्लियोफाइल बाहर में इंतजार कर रहा है, किस पर, इस दूसरे वाले मोल पर अटैक करने के लिए। लेकिन लेकिन उससे पहले क्या है कि यहां वाला जो सल्फर है ये इस पर जो है इस पर अटैक कर देगा, ठीक है। जब ये इस पर अटैक करेगा तो यहां से क्लोरीन जो है बाहर हो जाएगा, और कुल मिलाकर इस तरह से देखिए एक नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप के पैरा पोजिशन पर सल्फर, और फिर ये इससे जुड़ गया, और जुड़ने के बाद फिर पैरा पोजिशन पर नाइट्रो। तो इस प्रकार से जब आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।